हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। मुंबई में जो हाँ माहौल बना हुआ है उसको लेकर कंगना लगातार महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साध रही है, और दूसरी तरफ पूर्व नौसैनिक के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर भी आरपीआई ने मोर्चा खोल दिया है, और आरपीआई के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। सीधा उनका रुख करेंगे। रामदास आठवले साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मुझे एक बात बताइए, आरपीआई ने मोर्चा खोला हुआ है मदन शर्मा के लिए भी, कंगना के भी सपोर्ट में आप लोग हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक होता दिख रहा है क्या आपको? कुछ बात हुई है आपकी? हाँ, महाराष्ट्र में मतलब जिस तरह कंगना राणावत जी मुंबई में आई, और जब शिवसेना ने मतलब ये निर्णय लिया था कि कंगना को मुंबई नहीं आने देगी, कंगना को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है, कंगना का मुंह तोड़ देगी, कंगना नौटी है, कंगना हरामखोर है, इसी तरह की शब्द प्रयोग मतलब वहां संजय राउत और उनके कुछ नेताओं ने किए थे, तो आरपीआई ने ये भूमिका ली कि भाई कंगना राणावत ने जो मुद्दे रखे थे, मुंबई ये पाक व्याप्त कश्मीर जैसी है, वो मुद्दे जम समत नहीं है, लेकिन एक अभिनेत्री है, 16 साल से मुंबई में रहती है, हिमाचल प्रदेश में वहां आकर वो मतलब उन्होंने अपना ठान बसाया है, बहुत सारी फिल्मों उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनका अभिनय बहुत अच्छा है, तो इसी तरह मतलब एक महिला के नाते उनको संरक्षण देना चाहिए, इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने उनको मुंबई में पूरा संरक्षण दे दिया है, और अभी पूरी मुंबई में शांति है। शिवसेना ने भी अभी निर्णय लिया है कि भाई हम अभी कंगना के चक्कर कंगना का विषय हमारे लिए स्टॉप हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अभी ये मामला थोड़ा शांत होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आठवले साहब, शिवसेना का जिक्र आप कर रहे हैं, शिवसेना ने कहा कि हमारी तरफ से चैप्टर बंद है, लेकिन जो संजय राउत साहब हैं दिल्ली में, वो मीडिया से बात करते हुए बोल रहे हैं कि कंगना के पीछे पीएमओ खड़ा है। कंगना के पीछे पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय खड़ा है। अच्छा, हाँ मतलब नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय कंगना के पीछे नहीं खड़ा है, कंगना की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, वो हिमाचल प्रदेश की थी, वो मुंबई जा रही थी, वहां उनको मतलब धमकी देने का काम शिवसेना की तरफ से हुआ था, इसीलिए मतलब पीएमओ ने और अमित शाह साहब ने उनको सिक्योरिटी दे दी है, इसमें उनके पीछे रहने का कोई मतलब नहीं है, ना मतलब कंगना राजनीति में है, ना कंगना से कोई हमें फायदा लेना है, इसीलिए मुझे लगता है कि पीएमओ उनके पीछे खाली उनकी सुरक्षा करने के लिए है, बाकी के मुद्दों पर उनके साथ नहीं है। लेकिन इसके राजनीतिक माने निकाले जा रहे हैं आठवले साहब, कल जब कंगना भगत सिंह कोश्यारी साहब से राज्यपाल से मिलकर निकली, उनके हाथ में कमल का फूल था, उसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हाँ, तो कंगना वहां माननीय महामहिम गवर्नर साहब जो भगत सिंह कोश्यारी जी है इनको मिली है, और उनको भी उन्होंने बोला है कि मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए, मुझे कोई धोखा नहीं होना चाहिए, और मेरा जो मतलब ऑफिस तोड़ा है उस ऑफिस का कॉम्पेंसेशन मुझे मिलना चाहिए, मैंने मेरी पूरी कमाई उसमें खर्च की थी, ऐसा मुझे मेरे भेंट के टाइम पर उन्होंने बताया था, और उसमें कोई इलीगल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उल्टी सीधे नियम दिखाकर कंगना का बदला लेने के लिए, कंगना का सूट उगाने के लिए शिवसेना की जो सत्ता मुंबई में मुंबई अपने बीएमसी पर है, तो उन्होंने जानबूझकर उनका बदला ले लिया है, और जिन अधिकारियों ने इसी तरह का काम किया है उनको उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको तो सस्पेंड करना चाहिए, और मुझे लगता है कि उनको जो भी मतलब नुकसान हुआ है उनका कॉम्पेंसेशन मुंबई महानगरपालिका ने देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। जी आठवले साहब, मुझे एक बात पूछनी है, बड़ी अहम बात यह है कि कंगना कुछ देर पहले चंडीगढ़ पहुंची, मनाली जा रही है वो अपने घर, उसके पहले एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि एक समय था कि जब मुंबई हमें मां के आंचल जैसा प्यार देती थी, लेकिन अभी स्थिति हो गई है कि जान बची तो लाखों पाए वाला हाल है, और मैं चंडीगढ़ पहुंच के बड़ा सुरक्षित महसूस कर रही हूं। कैसे देखे इस बयान को, क्यों मुंबई में ऐसी स्थिति हो गई? समझा नहीं, कंगना ने ट्वीट किया कि पहले जब मुंबई जाती थी तो लगता था कि मां के आंचल में आ गए आठवले साहब, लेकिन अब जब वापस लौटी हूं तो लग रहा है जान बचाकर लौटी हूं मुंबई से। नहीं, मुंबई से जान बचाकर लौटी ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुंबई में उनको पूरी सुरक्षा थी, मुंबई में उनको किसी ने हाथ भी नहीं लगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जान बचाकर वो मुंबई से इधर आई ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मतलब कुछ काम के लिए इधर आई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उनको जिनके जान को बिल्कुल खतरा नहीं है
अगर खतरा पैदा होगा तो हम उनके पीछे खड़े रहेंगे। लेकिन आठवले साहब एक बात और बताइए, मदन शर्मा जी के लिए आप लोगों ने मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन आज भी जब संजय राउत बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि सहज प्रतिक्रिया थी, तो ये सहज प्रतिक्रिया तो आगे भी होती रहेगी इसी तरह शिवसैनिकों की फिर किसी के भी साथ? मुझे लगता है कि जो मदन शर्मा जी है ये नेवी ऑफिसर थे, वो रिटायर्ड है, वो मतलब बहुत बड़ी उम्र वाले है, और जो मतलब जो कार्टून था वो कार्टून नहीं है, वो किसी ने वो बनाया था, उसमें उद्धव ठाकरे जी हाथ जोड़कर खड़े है और सामने तो सोनिया गांधी जी और शरद पवार का फोटो है, और सोनिया गांधी के फोटो के नीचे मातुश्री लिखा है और शरद पवार को पिताश्री लिखा है। तो जब इन्होंने वो देखा तो उनको लगा, अच्छा लगा कि भाई उद्धव ठाकरे जी और ये तीनों एक साथ आए है, तो उद्धव जी उनको तो नमस्कार कर रहे है, तो इसमें कोई बुरा नहीं था, और मारना ही था तो जिन्होंने निकाला उसको मारना चाहिए था, जिन्होंने गाड़ी फॉरवर्ड किया, इसलिए उनके घर पे जाकर उनको नीचे बुलाकर उनकी इतनी मारपीट की है कि उनका आग भी टूट गया है। तो मुझे लगता है कि 24 घंटे में वो आरोपी जो थे उनको छोड़ दिया है, उनको 326 या 307 जानलेवा हमले के उसमें अरेस्ट करने की आवश्यकता थी, लेकिन मुंबई पुलिस सरकार के इशारे पर नाच रही है। और हमने कल एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस पर मेरे कार्यकर्ताओं ने आज आंदोलन किया है, और हमारी मांग है कि 326 या 307 लगना चाहिए। जी आठवले साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, कल जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित कर रहे थे, एक बहुत अहम सवाल आठवले साहब, कल उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र की जनता को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझे, किसको ये संदेश दे रहे थे वो, केंद्र सरकार को? नहीं, अभी उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनको सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, जहां जहां गुंडागर्दी है, जहां जहां लॉ एंड ऑर्डर का विषय आता है, वहां शांति रखने की जिम्मेदारी माननीय उद्धव ठाकरे जी की है। उन्होंने बोला होगा कि भाई मुख्यमंत्री मैं हूं, मैं शिवसेना का हूं, लेकिन मैं आज पूरे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूं, इसीलिए मुझे कुछ बातें मेरे मन में रखनी है, ऐसा चाहे तो बोली होगी, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं होते थे तो फिर वो और भी कुछ बातें बता सकते थे। तो अगर आप मुख्यमंत्री है तो आपको शांति रखने के लिए अपने शिव सैनिकों को आदेश देना चाहिए, ना कि नेवी के ऑफिसर पर हमला करने के लिए बोलना चाहिए, ना कि कंगना का मुंह तोड़ने की बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसी तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन कल तो वो कुछ भी नहीं बोले इन मुद्दों पर, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति थी वो कल तो कुछ भी नहीं बोले। और देखिए, हमारे साथ रामदास आठवले साहब जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी दे रहे थे।